डियर स्टूडेंट्स, एक और सेट बीपीएससी क्लोन सेट का पार्ट टू आज आप बनाएंगे। पिछली बार हम लोगों ने पार्ट वन किया जिसमें 30 क्वेश्चंस थे, आज 31 से शुरू होगा। 31वां नंबर क्वेश्चन आप करेंगे, 60 तक जाएंगे, सेकंड पार्ट है ये, टोटल 150 हम लोग करेंगे और उसके बाद असेसमेंट होगा। 85 गर्ल्स एंड लेडीज के लिए और 95 देखिए जनरल कैटेगरी ये है, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हैं तो और भी नीचे जाएगा, और भी नीचे जाएगा। इस बार रिजल्ट ऐसा आएगा होपफुली कि थोड़े बहुत और 4-5 मार्क्स नीचे जाएंगे, जो 63वीं में कट ऑफ था। 63वीं में लेडीज़ का 84 के आसपास था बिहार के लिए, क्योंकि बिहार से बाहर के अगर आप हैं तो फिर तो आप जनरल कैटेगरी में आ जाएंगे। बिहार से अगर आप हैं तो लेडीज़ में 85-84 का आपको कट ऑफ होना चाहिए, और मेन जो है कैटेगरी है बॉयज़ सेक्शन में जनरल में, तो वहां पर आपको 95 का स्कोर करना चाहिए। 150 का ये टोटल सेट होगा, आप इसमें बनाएं उसके बाद देखें कि ये आपके टोटल स्कोर्स कितने हैं। क्वेश्चंस की संख्या को लेकर आप कंप्लेन कर सकते हैं, हमारी भी कुछ मजबूरियां हैं। तो चलिए इस सेट को बनाते हैं जिसमें करंट अफेयर्स और साइंस के सेक्शंस आपको मिलेंगे, क्योंकि ये हम सेक्शन वाइज चल रहे हैं। बीपीएससी का जो पैटर्न है, आपको एक साथ सारे क्वेश्चंस मिलते हैं किसी भी सब्जेक्ट के, तो ये आप आज करेंगे करंट अफेयर्स और साइंस के क्वेश्चंस। टफ है या आसान है ये हमारा इसमें कुछ भी नहीं है, ये बीपीएससी का पैटर्न है, आप 63वीं समझिए आप दे रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस दूसरे पार्ट की जो क्वेश्चन नंबर 31 से शुरू होगा। आज का पहला क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लाइफाई टेक्नोलॉजी का सक्सेसफुली टेस्टिंग किया गया, ये लाइफाई टेक्नोलॉजी का टेस्टिंग कहां किया गया? आप वाईफाई के स्थान पर लाइफाई आ सकता है, यानी लेट टेक्नोलॉजी बेस्ड फिडेलिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मद्रास फिलिप्स के साथ ये ज्वाइंट वेंचर हुआ है जिसमें लाइफाई टेक्नोलॉजी सक्सेसफुली टेस्ट हुआ है। 32वां क्वेश्चन, स्वच्छता सर्वेक्षण, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सर्वेक्षण हर साल आता है, इसके हर जो सेक्शंस हैं उसे आपको समझना चाहिए। यहां पर पूछा जा रहा है कि सबसे क्लीनेस्ट कैपिटल कौन सा है, राजधानियों में 29 राज्यों में सबसे क्लीनेस्ट कैपिटल कौन सा है? चूंकि आप शहरों का आपने सिटीज का देखा है, इंदौर इसमें टॉप पे है, क्लीनेस्ट सिटी है 2018 के स्वच्छता सर्वेक्षण में। अब यहां पर राजधानी बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी। 33वां क्वेश्चन, विश्व बैंक के सहयोग से औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में कौन सा राज्य टॉप पे है? आपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक का सुना देशों के बारे में रैंकिंग, अब यहां पर भारत के राज्यों की रैंकिंग जहां व्यापार करना आसान है, ABCD। पांचवें ऑप्शंस को आपको बिल्कुल हर बार ध्यान में रखना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, डी। 34वां क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश पारित किए हैं पटाखों को लेकर, दिल्ली NCR में ग्रीन क्रैकर्स चलेगा, इसकी अनुमति मिली है, ये ग्रीन क्रैकर्स क्या है? आप सोचकर जवाब दें, इस तरह के प्रश्न में हड़बड़ी नहीं करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कम ध्वनि और कम धुआं वाले पटाखे जिसमें केमिकल्स ऐसे होंगे जो लेस पॉल्यूटिंग होंगे, साउंड भी इसमें 30% से 35% तक कम आवाज होगा। आज का 35वां क्वेश्चन, भारत और एशिया के पहले, पूरे एशिया में बल्कि और भारत में तो है ही, पहला मिथेनॉल कुकिंग फ्यूल का प्रयोग किया गया है, ये कहां से शुरुआत की गई है? फर्स्ट मिथेनॉल कुकिंग फ्यूल, ऐसा तेल जिसमें मिथेनॉल यूज होगा जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होगा, भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नामरूप गुवाहाटी में, पिछले महीने ये टेस्टिंग हुई है और ये ध्यान खींचने वाला है। 36वां क्वेश्चन, बरहाम सालेह को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? इस तरह का क्वेश्चन 63वीं में एक बार आया था जब मिस्र के राष्ट्रपति के चुनाव पर क्वेश्चन आया था, तो इसका आंसर हो जाएगा इराक। आज का 37वां क्वेश्चन, वर्ष 2018-11 की जनगणना के अनुसार जनजातीय एटलस जारी किया गया है, ट्राइबल एटलस, बहुत इंपॉर्टेंट, किस राज्य ने यह ट्राइबल एटलस जारी किया है जनजातियों की पहचान के लिए, उनके क्षेत्रों की पहचान के लिए, ध्यान खींचने वाला है।
तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ओडिशा। आज का 38वां क्वेश्चन, देश का पहला पेन फ्री हॉस्पिटल, दर्द मुक्त अस्पताल कौन बन गया है? हर बार आपको पांचवें ऑप्शन को भी सोचना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एम्स। एम्स नई दिल्ली में जो पेशेंट्स हैं उनका पूरा डिटेल्स लेकर नर्सेस को, डॉक्टर्स को ऐसा ट्रेन किया गया है कि लीस्ट नहीं के बराबर पेन हो उनके इलाज में। 39th, हाल में अंतरिक्ष यात्रियों की जान बचाने में मददगार क्रियो स्पेस सिस्टम, चालक दल बचाव प्रणाली का सफल परीक्षण किसने किया है? आप जानते हैं कि अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं वैज्ञानिक, चालक दल में कई सारे लोग होते हैं, कई बार उनकी जान को जोखिम आ जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इसरो। इसरो ने इसे इस तरह का डेवलप किया है ताकि क्रियो को किसी इमरजेंसी में भी हर हाल में बचाया जा सके। 40वां क्वेश्चन, शताब्दी का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण कब दिखा? 1 घंटा 42 मिनट का, पूरे सेंचुरी का। देखिए इस तरह के प्रश्न को आप कैसे छोड़ सकते हैं, ये सेंचुरी का, शताब्दी का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण लगभग 1.25 घंटे रहा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 27-28 जुलाई। आज का 41वां क्वेश्चन, भारत में गगनयान मिशन के लिए किस देश के साथ MOU साइन किया गया है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझौता वार्ता पर हस्ताक्षर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, फ्रांस। फ्रांस के अंतरिक्ष एजेंसी के साथ यह साइन किया गया है। 42वां क्वेश्चन, बच्चों की तस्करी रोकने के लिए किस राज्य ने स्वयं सिद्धा योजना शुरू की है? स्वयं सिद्धा योजना किस राज्य ने शुरू की है? आप जानते हैं कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग कई राज्यों में बहुत प्रेवलेंट है, तो यहां पर स्वयं सिद्धा योजना शुरू की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पश्चिम बंगाल। आज का 43वां क्वेश्चन, मैत्री युद्धाभ्यास 2018 भारत ने किसके साथ संपन्न किया? सोचकर आप जवाब दें, टाइम ले सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा थाईलैंड। अगस्त में थाईलैंड में यह आयोजित हुआ। आज का 44वां क्वेश्चन, भारतीय सेना के किस सेना प्रमुख को अमेरिकी सम्मान लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? यह कौन पूर्व जनरल है, एक्स जनरल, इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जनरल दलबीर सिंह सुहाग। 45वां क्वेश्चन, 12वां SM समिट यानी एशिया यूरोप मीटिंग, SM 12वां है इसलिए SM 12 इसे कहा गया है, यह कहां संपन्न हुआ है? एशिया और यूरोप के लीडर्स के बीच समिट लेवल कॉन्फ्रेंस, SM 12। कैसे इस तरह के प्रश्न को आप छोड़ सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रसेल्स, बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में ये अक्टूबर में मीटिंग हुआ। बहुत महत्वपूर्ण, आप इसे बिल्कुल ध्यान में रखें, एग्जाम में इस तरह के प्रश्न डेफिनेट हैं। 46वां क्वेश्चन, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2018 में भारत का स्थान क्या है? आपने देखा होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट, ये विश्व के शक्तिशाली पासपोर्ट पर किस देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली है, इस पर यह हेनली इंडेक्स जारी हुआ है, होता रहता है, हर साल आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 81वां। याद रखें कि जापान इसमें टॉप पे है, सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट धारक देश जापान बन चुका है 2018 में। आज का 47वां क्वेश्चन, भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी ATM कहां स्थापित किया गया है? फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी यानी ऑनलाइन करेंसी, इंटरनेट पर चलने वाली करेंसीज का ATM। आप ऐसे प्रश्न को नहीं स्किप कर सकते, पांचवें प्रश्न को भी, आंसर को भी आप ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। आज का 48वां क्वेश्चन, सुल्तान जोहोर कप हॉकी 2018 का खिताब किसने जीता? अब आप कहेंगे कि खेल में इतने स्पोर्ट्स होते हैं, हम कैसे देखें, क्या क्या देखें? तो वर्ल्ड इवेंट को आपको जानना है, हॉकी में अजलान शाह हॉकी, जोहोर कप हॉकी, वर्ल्ड कप हॉकी, इसे आपको बिल्कुल जानना है, आप कैसे इग्नोर इसे कर सकते हैं? यहां पर क्या आंसर है, सोचकर जवाब दें।
तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इंग्लैंड। इंग्लैंड ने भारत को हराकर मलेशिया में जोहोर एक स्थान है जहां पर ये कप होता है। आज का 49th 20 क्वेश्चन इसमें करंट के आपको मिल रहे हैं। आज का 49वां, हाल ही में बिहार के किस फल को GI टैग मिला है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग यानी भौगोलिक संकेत प्रमाण पत्र, ये कौन सा फ्रूट है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, शाही लीची। आज का 50वां क्वेश्चन, बिहार सरकार ने हाल ही में किस क्षेत्र में 100% लक्ष्य हासिल कर लिया है, 100% टारगेट हैज बीन अचीव्ड। दो क्वेश्चंस यहां पे बिहार के आपको दिख रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हर घर बिजली। ये टाइम से पहले दिसंबर 2018 तक टारगेट था, लेकिन टाइम से पहले ही इसे अचीव कर लिया गया। आज का 51वां क्वेश्चन, इसलिए कि अब आपको साइंस का क्वेश्चन दिखेगा, ये ठीक BPSC के पैटर्न को फॉलो किया गया, जिस तरह के क्वेश्चन आए थे 63वीं में उसी तरह का प्रोपोर्शन लिया गया है। साधारण कांच को रंग बदलने वाला कांच बनाने में उसमें क्या मिलाते हैं, यानी फोटोक्रोमेटिक ग्लास बनाने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं, सोचकर आप जवाब दें। पांचवें ऑप्शन को भी ध्यान में रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सिल्वर क्लोराइड। आज का 52वां क्वेश्चन, संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है, केमिकल नेम ऑफ मार्बल, सोचकर जवाब दें। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। आज का 53वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अनेस्थेटिक है, निश्चेतक है, बेहोश करने वाली दवा है या केमिकल है, सेम इसी तरह का एक प्रश्न 63वीं में आया था, टर्म दूसरा था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म और इथर दोनों हम लोग यूज करते हैं, यहां पर क्लोरोफॉर्म है। 54वां, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहां होती है, दिन में, रात में, दोनों में, या केवल बारिश में, या फिर इनमें से कोई नहीं। पांचवें ऑप्शन को भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा सी, रात और दिन में, दोनों में होता है, डार्क रिएक्शन कहलाता है फोटोसिंथेसिस अगर रात में होगा तो। 55वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सबसे हल्का लाइटेस्ट मेटल है, सोचकर जवाब दें। ऐसे प्रश्न में एकदम नहीं हड़बड़ाना है, रुक कर टाइम लेकर कुछ सेकंड सब टाइम ले लें, पॉज कर लें। तो इसका आंसर हो जाएगा लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, तीसरा एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में, पहला दो गैस है, ये लिथियम मेटल है। आज का 56वां क्वेश्चन, जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु है, आपको एलॉय पर बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर रखना है, याद करके रखना है, इससे एक क्वेश्चन देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कॉपर, जिंक, निकल। आज का 57वां 57th क्वेश्चन, जिराफ की गर्दन का लंबा होना निम्नलिखित में से किसका सूचक है, क्या लक्षण है, कैसे लक्षण है ये, जिराफ का गर्दन पहले लंबा नहीं हुआ करता था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, एक्वाइड कैरेक्टर, उपार्जित लक्षण। आपने अगर जैव विकास पढ़ा है तो उसमें आपने इसे पढ़ा होगा। आज का 58वां क्वेश्चन, ज्वालामुखी उद्गार में निकलने वाली गैस निम्नलिखित में से कौन सी है, जब वॉल्केनिक एरप्शन होता है तो किस प्रकार की गैस दिखाई देती है, यहां पर आपको चॉइसेस दिए हुए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, 5वां ऑप्शन, चूंकि कई सारे, सबसे ज्यादा तो जलवाष्प गैसों में, मैक्सिमम जलवाष्प, उसके बाद आपको सल्फर डाइऑक्साइड भी दिखाई देता है, तो ये सारे कई सारे गैसेस हैं एक साथ यहां पर दिखाई देते हैं। आज का 59वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे वृद्धि नियंत्रक यानी ग्रोथ कंट्रोलर कहते हैं, कौन है ये ग्रोथ कंट्रोलर, सोचकर आप जवाब दें। तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा ए, हार्मोन। आप जानते हैं कि हार्मोन एक्सपेडाइट भी करता है और कंट्रोल भी करता है आपका एक फिजियोलॉजी को, तो यहां पर हार्मोन हो जाएगा ग्रोथ
कंट्रोलर याद रखें वृद्धि नियंत्रक है ना कि वृद्धि। आज का 60वां क्वेश्चन, मोटर गाड़ियों में साइड मिरर के प्रयोग किसका प्रयोग किया जाता है साइड मिरर के रूप में, सोचकर जवाब दें, इसे गलत नहीं करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण मिरर ना कि लेंस, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहीं पर आज का ये सेट रहेगा, आप काउंट कर लें, आपको 90-95 के स्कोर्स करने हैं टोटल 150 के इस सेट में, ताकि हम उस बाउंड्री को पार कर सकें जिसे बीपीएससी ने निर्धारित किया है। अपना ध्यान रखें, एक नया सेट जल्द आएगा, तब तक आपसे इजाजत लेंगे, टेक केयर।